और देश भर में महिला उत्पीड़न के मामले थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ से भी सामने आया, जहां पर कुछ युवकों ने एक युवती से बदसलूकी की कोशिश की है, जिसको लेकर के चिनहट थाना क्षेत्र में युवती ने शिकायत दर्ज कराई है। युवती का कहना है कि घर के सामने किराए से रहने वाले युवकों को युवती ने पटाखे हुड़दंग करने से मना किया, तो उन्होंने युवती को जान से मारने की धमकी दे डाली। युवती ने बताया कि यह युवक पिछले 6 महीनों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। युवती ने युवकों के खिलाफ में कार्रवाई करने की मांग की है। नहीं, ये तो सही कह रहे हैं कि मतलब जैसे कि उस पर मतलब अंकुश लगाएं कि मतलब कोई मतलब इस तरह के हरकत ना करे कि मतलब कोई पब्लिक परेशान हो। रह रही हैं और आए दिन मतलब उनका एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जब लड़कियां ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो लोग कैसे क्या करेंगे, पहले आप बताइए। और जो है ये चिनहट में हमने जो है एक प्लाट लिया, वहाँ पे लड़के जो मयंक और आशीष अमन और ये जो रहते हैं सामने वाले फ्लैट में रहते हैं, ये लोग आए दिन जितने हमारे किराएदार हैं, ठीक है, इन लोगों से डेली का डेली लड़ाई झगड़ा मार पीट करके सबको भगा देते हैं। लोग रेंट पे रहते हैं, वहाँ सामने वाले कुछ लड़के रहते हैं जो बहुत परेशान कर रहे थे। मतलब मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने उनको एक दो बार बोला कि आप लोग ये पटाखे फोड़ रहे थे, वो रात में तो काफ़ी रात हो चुकी थी, 11-12 बजे वो लोग पटाखे फोड़ रहे थे, तो मैंने मना किया कि मेरी तबीयत खराब है मत करिए, तो कह रहे थे कि फोड़ेंगे जाओ जो करना है कर लो। फिर वही सब झगड़ा हो गया, फिर गाली वाली दे दिए, धमकी दे रहे थे कि तुमको रहने नहीं देंगे यहाँ पे, जाओ जो कल जान से मार देंगे ये वो।